अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज बन रहे हैं लजीज से पाए और ये रेसिपी है मेरी मामा की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है तेल। तेल मैं लूँगी एक प्याली। तेल को मैं करूँगी गरम। जब तेल थोड़ा गरम हो जाएगा तो मैं इसमें डाल रही हूँ दो प्याज। प्याज मैंने ली है दरमियानी साइज की और उसे बारीक बारीक काट लिया। प्याज को मैं कर लूंगी गोल्डन पिंक। मुझे इसे ब्राउन नहीं करनी, मैं इसे वैसे पिंक ही रखूंगी। मुसलसल मैं चमचा चलाती रहूंगी ताकि प्याज बिल्कुल भी जले ना। प्याज जब थोड़ी सी गोल्डन पिंक हो गई है तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पाए। पाए मैंने लिए हैं बकरे के चार। चार पाए हमने लिए हैं, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं लहसुन अदरक के पेस्ट में पाए को भून लूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक हस्ब जरूरत। ये मैंने डाला है खड़ा गरम मसाला 1 टेबल स्पून, उसको मैंने कूट लिया था। मैंने शामिल की है हल्दी 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चे 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, अब इस सबको मैंने किया है मिक्स। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले जले ना। अब मैं सबको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी मैंने इसमें डाला है तकरीबन 4 ग्लास। पानी डालने के बाद मैं सबको एक बार मिक्स करूंगी और इसे रख दूंगी पकने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे ताकि पाए पूरे गल जाएं। अब जैसे ही पाए में उबाल आएगा पाए में एक उबाल आना शुरू हो गया है तो अब हम इसे ढककर रख देंगे तकरीबन जब तक पाए पूरे गल ना जाएं। 3 से 4 घंटे बाद आप देख सकते हैं पाए का जो पानी है वो आधा रह गया है और पाए बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम पाए को भून लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए ताकि जो इसका रोगन है वो अलग हो जाए। और फिर हम इसमें मजीद 4 ग्लास पानी डालकर रख देंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसे करेंगे मिक्स और दोबारा से इसे पकने के लिए हम रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए ताकि इसका शोरबा तैयार हो सके, थोड़ा गाढ़ा हो जाए सालन। एक से 1.5 घंटे बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसमें उबाल आ रहा है और पानी भी थोड़ा कम हो चुका है। अब मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ जिसके लिए मैंने डाला है आधा प्याली तेल। उसमें मैंने एक छोटी प्याज ली है, उसे बारीक बारीक काट के वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। प्याज को मैं कर लूंगी फ्राई ताकि इसका जो कलर है वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का। अब ये जो बघार था वो मैंने पाए में शामिल कर दिया है। इस सब को मैं कर दूंगी मैं। लाल मिर्चों से पाए में एक अच्छा सा कलर आ जाता है। मजेदार से पाए तैयार हैं। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत मजे के पाए बन जाते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें
ताकि आपको मिल सके हमारी न्यू वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।